पे आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर रहा था एक सब्जेक्ट जिसका नाम था रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाया था, इंट्रोडक्शन में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में दी थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। एवरीथिंग इज अ हार्ड बिफोर इट इज अ इजी, बहुत ही आसान मीनिंग है। कोई भी काम आपको मुश्किल तब तक लगेगा जब तक वो आप खुद से नहीं कर लेते, यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी एक या दो नंबर में आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एनालॉजी क्या होता है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आज हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हम आज कंप्लीट कर लेंगे और आपको एंड तक वीडियो को देखना है। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी में भी डिफाइंड एज अ वन रिलेशनशिप इज गिवन एंड अदर रिलेशनशिप इज आइडेंटिफाइड, मतलब कि एक रिलेशनशिप आपको गिवन होगा, दूसरा रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन अ लॉजिकल वे में, इसे बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के बहुत सारे एग्जांपल हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपको बनकर आ सकता है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि पर्टिकुलर इस टॉपिक में से या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में से एनालॉजी आएगा। एनालॉजी आपको साइंस में से भी आ सकता है, साइंस में फिजिक्स में से भी आ सकता है, केमिस्ट्री में से भी आ सकता है, बायोलॉजी में से भी एनालॉजी आ सकता है, इंग्लिश में से भी आ सकता है, जनरल साइंस में से भी आ सकता है, रीजनिंग में से भी आ सकता है, अल्फाबेट्स में से भी आ सकता है, सीरीज में भी आ सकता है, किसी में से भी आपको एनालॉजी आ सकता है। कोई भी इसमें से जजमेंट नहीं किया जा सकता कि कहीं से भी क्या आ जाए। तो एनालॉजी तभी हम पढ़ेंगे एनालॉजी जब तक हमें बेसिक नॉलेज इसकी पता होगी। बेसिक नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10th लेवल तक के भी जितने छोटे, मतलब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की बुक्स में से आपको इंग्लिश के ग्रामर्स के वोकैबुलरी पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको आज एनालॉजी समझ आएगा। तो ये एक दिन का टॉपिक नहीं होता, ना ही 2 दिन में इसे कंप्लीट किया जा सकता है, ना ही 3 दिन में इसे कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम से पहले 2-3 दिन इसे पढ़ लेंगे एनालॉजी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एनालॉजी पढ़ने से पहले 1-4 महीने लग जाते हैं एनालॉजी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक एनालॉजी बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए वोकैबुलरी को स्ट्रांग करिए और तभी आपको एनालॉजी समझ आएगा। एनालॉजी रिलेशनशिप्स, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं एनालॉजी में से, कहां से क्या आ जाए कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसके क्या हुआ कि बुक्स में से इसके कुछ एग्जांपल गिवन है कि कहां से मतलब टॉपिक बनता है। अक्सर मैं आज वही आपको कराऊंगा कि जो प्रीवियस एग्जाम में से जो एनालॉजी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे ARP वगैरह हो गया, LDC हो गया, SSC हो गया, HSSC में से जो प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम में से जो एनालॉजी के जहां से क्वेश्चंस बने हैं, वो आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं और आपको एंड तक वीडियो को देखना है हमेशा की तरह और कॉपी पेन लेकर बैठना है। स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के कुछ रिलेशनशिप होते हैं विद एग्जाम्पल, काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद एग्जाम्पल। या पूछेगा सबसे पहले इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप्स हो गया, एनिमल एंड देयर बेबीज हो गया, एनिमल्स एंड देयर होम हो गया, या कहीं यहां से क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर यूनिट एंड यूनिट्स में से आ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स, जो फिजिक्स की यूनिट आपको मैंने करवाई थी फर्स्ट टाइम सबसे पहले फिजिक्स में। अगर वो अपने चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देख लेगा। तो उसमें फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाकर मैंने सेकंड टॉपिक आपको करवाया था SI यूनिट्स, या SI यूनिट्स में से आपसे पूछ लेगा, फंडामेंटल SI यूनिट्स में से एनालॉजी क्वेश्चंस आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस में से कहीं से उठकर आ जाता है, जनरल अवेयरनेस में से एनालॉजी आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जहां से एनालॉजी क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्वांटिटीज एंड इसमें से एनिमल्स एंड देयर होम से स्टडीज, हाँ जैसे स्टडी होती है, जैसे अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं सिस्मोलॉजी, एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटैनी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी,
तो स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, मतलब कि जो भी स्टडीज होती हैं, जिसकी हम स्टडीज पढ़ते हैं, स्टडीज एंड टॉपिक में से भी एनालॉजी आ सकता है। तो अब चलते हैं इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल ग्रुप, मतलब कि उसका समूह। तो क्या होता है, जब मैन होता है सिंगल, मतलब एक आदमी, जब एक आदमी जोन में चलता है, ग्रुप में चलता है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्राउड। सुना होगा कि यार, मतलब कि बोलते हैं ना क्लास में या किसी, मतलब कॉलेज स्कूल में बोलते हैं ना क्राउड कितना है। तो क्राउड किसको बोलते हैं, क्राउड बोला जाता है इंसान के झुंड को, जो इंसान इकट्ठे होते हैं, जो पर्सन इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। वैसे मेनली मेल्स के लिए यूज किया जाता है क्राउड, कितना क्राउड है। बोलते हैं ना सर कितना क्राउड है, किसी फेस्टिवल में जाते हैं, दशहरा ग्राउंड में जाते हैं, किसी कहीं पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो कितना क्राउड है, ऐसे बोलते हैं ना कितना क्राउड है। तो क्या बोलते हैं, मैन सिंगल के लिए यूज होगा क्राउड, बोलते हैं समूह ऑफ ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ अ मैन इज कॉल्ड क्राउड, ठीक है। उसके बाद आता है बीज। बीज मतलब कि एक, जिसे बोलते हैं ना बी मक्खी, ठीक है, एक को बोलेंगे बी, ठीक है। अगर वो ज्यादा बहुत सारी मधुमक्खी होगी, हनी बी होगी, तो उसे बोलते हैं स्वार्म। क्या बोलते हैं, स्वार्म, झुंड बोला जाता है। एक छत्ता देखा होगा कि एक, मतलब कि एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है जिसमें शहद वगैरह निकलती है, तो उस जो छत्ता लगा होता है उसे बोलते हैं स्वार्म। कई बार बोल देते हैं कि स्वार्म में आ रही है, स्वार्म में इकट्ठी है, ठीक है। उसके बाद शिप। शिप मतलब कि जो भेड़ होती है ना, भेड़, शिप मतलब एक के लिए यूज हुआ है, शिप मतलब एक के लिए यूज करा गया है वर्ड शिप। और अगर बहुत सारी शिप इकट्ठी चल रही है तो उसे बोलेंगे फ्लो। क्या बोलेंगे, फ्लो। एक सिंगर अगर एक सिंगिंग कर रहा है, एक पर्सन अगर स्टेज पर गाना गा रहा है, तो उसे बोलेंगे सिंगर। अगर बहुत सारे लोग सिंगिंग कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे चोरस। क्या बोलेंगे, चोरस। उसके बाद ग्रेप्स, मतलब कि ग्रेप्स कैसे बोलते हैं, कि अगर एक ग्रेप्स, दो ग्रेप्स, तीन ग्रेप्स, ऐसे बोला, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते ना, एक ग्रेप्स, दो ग्रेप्स, ग्रेप्स सबको बोलते हैं। अगर ग्रेप्स तब तक बोलेंगे जब तक वो सिंगल सिंगल होंगे, जब वो एक डंडी के अंदर सबके साथ लगे होंगे ना, चिपके होंगे, देखा होगा जैसे हम ग्रेप्स को तोड़ कर खाते हैं, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुच्छा। गुच्छा तो बंच को बोलते हैं गुच्छा। गुच्छे में ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स सिंगल वर्ड्स के लिए यूज होगा और बंच समूह के लिए यूज होगा, उसे बोलते हैं गुच्छा, ठीक है, इसे बोलते हैं बंच। उसके बाद फ्लावर्स और बॉयकट, बॉयकट या बॉयकट बोल सकते हैं। फ्लावर्स एक के लिए यूज होगा और बॉयकट समूह के लिए यूज होगा, ग्रुप्स के लिए। कैटल, कैटल एक के लिए यूज होगा, जैसे बुफेलो हो गया, ठीक है, काउ हो गया, उसके बच्चा हो गया, बछड़ा हो गया, उसे बोलते हैं कैटल। अगर ये बहुत सारी इकट्ठी चल रही हैं तो उसे बोलेंगे हियर्ड। क्या बोलेंगे, हियर्ड। क्या बोलेंगे, हियर्ड, ठीक है। ये तो हो गया इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स। अब सेकंड एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। ये सभी एग्जांपल है, ये हेडलाइंस आप दिख रही हैं, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर होम्स, इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैन का आपको दे देंगे क्राउड, तो उसके बाद बीस के आगे प्रोपोर्शन लगाकर बीस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देंगे, स्वार्म दे देंगे, फ्लॉक दे देंगे, बंच दे देंगे, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे देंगे, और उस ऑप्शंस पे आपको टिक लगाकर आना है। तभी आप टिक लगाकर आएंगे, तभी आपको पता लगेगा जब आपको ये पढ़ा होगा। अगर ये नई चीज आपको पता होगी, बेसिक चीज है ये, बेसिक क्लास, जैसे हम मीडियम क्लास में पढ़ते थे, सेकेंडरी से नीचे जो पढ़ते थे, सेवंथ एट्थ से सिक्स वगैरह में, मतलब उनसे ही रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड है जो हमने बुक्स बचपन में पढ़े थे, एनालॉजी, एंटोनियम, सिनोनियम इंग्लिश में पढ़ा था, वो चीज हमें एनालॉजी में दोबारा फिर पढ़नी पड़ेगी। एंटोनियम सिनोनियम्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये सभी चीज हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एनालॉजी में दो नंबर पक्के करने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर बेबीज मतलब कि एनिमल जानवर और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, एक जानवर उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कैट और किटन, कैट बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे, किटन बोलेंगे, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे, किटन बोलेंगे। डॉग,
कुत्ता, कुत्ते को बच्चे को क्या बोलेंगे, पप्पी, क्या बोलेंगे, पप्पी। हैन, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी और मुर्गी के बच्चे को क्या बोलेंगे, चिक बोल सकते हैं, चिकन बोल सकते हैं, ठीक है। चिकन वो खाने वाला चिकन नहीं, खाने वाला चिकन नहीं, चिक मतलब कि उसका बेबी होता है, हैन का बेबी, ठीक है, उसको बोलेंगे चिक, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डोंकी, डोंकी, डोंकी तो पता ही होगा आपको क्या बोलते हैं डोंकी को, ठीक है, हिंदी में। तो उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, फूल, एफ ओ एल, फूल। डक, डक होते हैं ना पानी के ऊपर चलते हैं, डक, ठीक है, बत्तख, डक, और उसको, उसके बेबी को क्या बोलेंगे, डकलिंग, ठीक है। फिर है हॉर्स, हॉर्स घोड़ा, और घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, कोल्ट, क्या बोलते हैं, कोल्ट। ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, हाँ, मतलब कि आपको सोच रहे हैं मजाक सोच रहे होंगे, मजाक नहीं है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी एनालॉजी में, एनालॉजी में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आज मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें क्वेश्चन था मतलब कि ताजमहल इज रिलेटेड टू लव एंड जलियांवाला बाग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, उसमें था वाम था, मार्टर था, अमृतसर की बनता, और एक क्वेश्चन और की बनता, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एनालॉजी में से कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आप एक नंबर की कदर भी जानते हैं तो। उसके बाद है रैबिट, रैबिट और रैबिट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किट, क्या बोलते हैं, किट। और उसके बाद है पिग, और पिग सुअर, सुअर के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट, क्या बोलते हैं, पिगलेट। शिप मतलब भेड़िया, भेड़, भेड़ होते हैं ना, शिप, शिप मतलब भेड़ वगैरह, और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम, क्या बोलते हैं, लैम, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं गोट, गोट मतलब भी बकरी, बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, किड, क्या बोलते हैं, किड, ठीक है। लॉयन, लॉयन तो हम सभी लोग जानते हैं कि लॉयन किसे बोलते हैं और टाइगर किसे बोलते हैं, और इसके बेबी को क्या बोलते हैं, कब, क्या बोलते हैं, कब। उसके बाद एलिफेंट, बफेलो, काउ और जिराफ, एलिफेंट, एलिफेंट, बफेलो, काउ और जिराफ, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं, इसके बच्चे को बोलते हैं काफ, क्या बोलते हैं, काफ। फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल। और मंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट, मंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स करवा दिए, एनिमल्स एंड देयर बेबीज करवा दिए, ठीक है आपको। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल, ये यहाँ पर ऊपर लिख ही देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है, और ये थर्ड एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। एनिमल्स एंड देयर होम, ठीक है, एनिमल्स एंड देयर होम, जानवर कहाँ पर रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। और लॉयन कहाँ पर रहता है, डेन में रहता है, डेन होता है ना, डेन तरीके, ठीक है, गुफा के तरीके से होती है डेन, उसे बोलते हैं डेन, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर होम पे, चलते हैं पढ़ते हैं। लॉयन, लॉयन कहाँ पर रहता है, डेन में, ठीक है। इसे लिखना नहीं है, किस किस को लिखोगे आप, सिर्फ मतलब कि यहाँ पर दिमाग में याद रखिए, ठीक है, लिखना है तो हल्का फुल्का लिख लीजिएगा, दिमाग में याद रखिए, ठीक है। माउस, स्नेक, ठीक है, माउस मतलब चूहा और स्नेक मतलब सांप, कहां पर रहते हैं, होल में रहते हैं, कहां पर रहते हैं, होल में। डॉग कहां पर रहता है, किनल में रहता है, कैनल, कैनल जिसे बोलते हैं, डॉग कहां पर रहता है, कैनल में रहता है। उसके बाद हनी बी, हनी बी कहां रहती है, हाइव में रहती है, कहां पर, हाइव, गुच्छा होता था ना, उसे क्या बोला था, गुच्छा बोला था ना, तो हाइव मतलब की जो छत्ता होता है, छत्ता, उसे बोलते हैं हाइव, क्या बोलते हैं, हाइव, ठीक है। उसके बाद काओ, काओ कहाँ पर रहती है, शेड के अंदर, शेड, शेड डली होती है ना, वो शेड जो से हमारे घरों में वगैरह में डली होती है शेड, उसके नीचे बोलते हैं शेड, काओ कहाँ पर रहती है, शेड के अंदर। हॉर्स कहाँ पर रहता है, स्टेबल के अंदर रहता है, हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल के अंदर रहता है, मतलब कि एक बना होता है उसका, रस्सी का वो गर्दन से बांध के उसके अंदर लगा रखा होता है, फिल्मों में देखा होगा, उसके साइड में वुड के वगैरह टिम्बर्स के लगे होते हैं ऐसे साइड में, स्टेबल्स उसे बोलते हैं, स्टेबल्स मतलब जहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, हॉर्स राइडिंग घोड़ा चलाते हैं, वहां पर मिट्टी का बना होता है, उसके साथ एक स्टेबल्स बने होते हैं, उसके घर बना होता है, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जानवर और जानवरों के घर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रैबिट, रैबिट कहाँ पर रहता है, ब्रो, ब्रो, ब्रो मतलब कि क्या, मतलब अंडर द अर्थ, मतलब कि खोद के जहाँ पर रहते हैं ना, उनके छोटे छोटे घर होते हैं,
बिल बिल जैसे बोलते हैं, बिल में रहते हैं ग्रो, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में सबको पता है घोंसला, ठीक है, बर्ड्स कहाँ रहते हैं घोंसला। अब चलते हैं उसके ऊपर, हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, एक हेडलाइन लिखवा देता हूँ, उसके बाद चलो इसमें दिखा देता हूँ स्टडीज एंड टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टडीज एंड टॉपिक इसमें लिखवा देता हूँ, ठीक है, स्टडीज एंड टॉपिक। अब इसे नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडीज एंड टॉपिक्स, स्टडीज एंड टॉपिक। इसे नोट कर लेना, स्टडीज एंड टॉपिक, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना प्लांट की स्टडी को, द स्टडी ऑफ, यहां पर लिख देता हूं स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटैनी, क्या है बोटैनी, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, ऐसे आएगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे आएगा प्लांट, ये एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है, ठीक है, प्लांट, प्लांट के आगे ऐसे होगा बोटैनी, रेशो होगा बोटैनी, उसके बाद प्रोपोर्शन लगा देंगे एनिमल, ठीक है, एनिमल, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ऑप्शन दे देंगे आपको जूलॉजी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी और क्या दे सकते हैं ऑप्शंस आपको, एस्ट्रोलॉजी, और साइटोलॉजी, ये आपको ऑप्शन दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा एनालॉजी के अंदर, ठीक है। आपको क्या करेंगे, एक दे देंगे प्लांट, मतलब प्लांट की स्टडी को क्या बोलते हैं बोटैनी, और एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको देखना है कि एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, या साइटोलॉजी बोलते हैं, तो आपको टिक लगाकर आना है जूलॉजी के ऊपर। कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कैसे आता है एनालॉजी के ऊपर, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, इधर सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, यहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है, डी को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या सी को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या सी और डी को, दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, बी का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। कहीं पर क्या है क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो ए का डी के साथ भी रिलेशन को आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो ज्यादातर वैसे तो 95% क्या होगा, ए का बी से पूछेगा रिलेशन, बी का ए से पूछ लेगा, सी का डी से रिलेशन पूछेगा, या डी का सी से आपको रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। एनालॉजी आप चीज आपको समझ आ चुके होंगे, एनालॉजी क्या बोलता है, इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं, कोरेस्पोंडिंग, कोरेस्पोंडिंग या कोरेस्पोंडिंग, कोरेस्पोंडेंस, ठीक है, इसको ये बोला जा सकता है। अब हम पढ़ रहे थे स्टडीज एंड टॉपिक के ऊपर, स्टडीज एंड टॉपिक के ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसे मैं रद्द कर देता हूं। बहुत ही मस्त चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है, और आपको बहुत ही मस्त टॉपिक लगेगा,
तो इसके बाद क्या करूंगा, आज ये खत्म हो जाएगा एनालॉजी। एनालॉजी में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है बेसिक्स, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है एनालॉजी में से, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि एक दिन में कर लिया, दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है यार, इन्फिनिटी है एनालॉजी, मतलब इन्फिनिटी है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं पढ़ सकता कोई, एक दिन में मतलब कि झंडा नहीं गाड़ देगा या तीर नहीं चला देगा एक दिन में। आपको क्या करना है, आराम से पूरा डेली आपको थोड़ा थोड़ा रोज डेली मतलब वो वोकैबुलरीज पढ़ने हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपको फिर इसमें हेल्प मिल सकती है, और आपको साथ साथ इंग्लिश में भी हेल्पफुल होगा आपको ये पढ़ने का, ठीक है। ये पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमटो, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, हेमटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी, 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 एच ए ई एम ओ टी ओ, हेमेटो, हेमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, ऑर्नोटोलॉजी, ऑर्नोटोलॉजी, ठीक है। जहां पर लोजी आ जाएगा ना, तो लोजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना उसकी, ठीक है, उसका अध्ययन करना, उसे बोलते हैं लोजी को, क्या बोलते हैं, किसी का अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद डिसीजेस, स्टडी ऑफ डिसीजेस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ डिसीजेस को बोलते हैं पैथोलॉजी, क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीजेस को बोलते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। स्टडीज ऑफ स्कल को क्या बोलते हैं, क्रैनियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल, स्कल्स मतलब होता है खोपड़ी, क्या होता है, खोपड़ी, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रैनियोलॉजी, क्रैनियोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद स्टडी ऑफ प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, सेल्स हो गया, किडनी, स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्यूचर को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यहां पर लिख देता हूं साथ के साथ, स्टडी ऑफ फ्यूचर को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट बोलते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये सारी स्टडीज पढ़नी पड़ेगी एक बार, ठीक, सारी स्टडीज पढ़नी पड़ेगी। बर्ड्स को बोलते हैं स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज थी, आपको इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ और कहीं से भी मिल जाता है तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, स्टडीज ऑफ स्टडीज एंड टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, क्या है, स्टडीज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था, जैसे आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था, इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कैसे करवाया था, जैसे पूछ लेता है फोर्स की, पूछ लेगा फोर्स का आपको दे देगा न्यूटन, ठीक है। तो आपको वर्क का निकालना, वर्क का क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन ये दे देगा आपको, क्वेश्चन सेकंड दे देगा मास की, आपको दे देगा केल्विन, और आपको टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर की क्या होगी, तो मास दे देगा आपको केजी, सॉरी यहां पर बताई दिया आपको,
चलो कोई नहीं, मास देगा आपको केजी और टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, करंट की आपको दे देगा एमीटर या एम्पियर दे देगा, करंट में दे देगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में होता है ना, करंट दे देगा आपको एम्पियर में, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके ऐसे दे देगा, ऐसा यूनिट आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आपको दे देगा कैंडेला, और क्वांटिटीज ऑफ मैटर को, क्वांटिटी ऑफ मैटर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लेगा उसमें स्पीड की, जैसे स्पीड पूछ लेगा मीटर पर सेकंड, और उसके बाद ठीक है स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, तो आपसे पूछ लेगा डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी का क्या होता है, ठीक है। ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा फंडामेंटल यूनिट्स में से या ड्राइव्ड यूनिट में से, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो आपको जब इसकी यूनिट्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे टिक लगाकर आएंगे, कैसे इसको क्वेश्चंस को करेक्ट करके आप आएंगे, सोचिए जरा। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को आप चार क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, पांच क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, सारे एकदम रट्टा नहीं लग सकते। तो इसलिए क्रैम की बजाय आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग से पहले, रीजनिंग के एनालॉजी से पहले आपको बेस अदर सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज पता होनी जरूरी है। तो देखिए, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। क्या होगी, इसका आंसर आएगा जूल, ठीक है, और आपको जूल पर टिक लगाकर आना है, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट होगी केजी, ठीक है। मास को किस में डिनोट करा जाता है, इसको डिनोट करा जाता है किलोग्राम में, और उसके बाद टेम्परेचर को किस में करा जाएगा, डिनोट केल्विन में, किस में करा जाएगा, केल्विन में। तो केल्विन के ऊपर आपने टिक लगाकर आना है। करंट को एम्पियर में डिनोट करा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में करा जाएगा, वोल्टेज में, किस में, वोल्टेज में। तो आपको वोल्टेज के ऊपर टिक लगाकर आना है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, और क्वांटिटीज ऑफ मैटर की ऐसा यूनिट मैंने यहां पर लिखी दी है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मोल। क्या होगी, मोल, और मोल का सिर्फ MOL आएगा, ठीक है। स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो इसको इसके ऊपर टिक लगाकर आना है, और ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल क्वांटिटीज के ऊपर पूछ लेता है, ऐसे यूनिट्स के ऊपर पूछ लेता है, ड्राइव यूनिट्स के ऊपर से क्वेश्चंस पूछ लेता है रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, किसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट में कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स मेजरमेंट, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, देखो प्रेशर, प्रेशर को कैसे करा जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी आ सकता है या एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करा जाता है बैरोमीटर में, इसमें बैरो
मीटर में, और ऐसे ही आपसे टेम्परेचर पूछ लेगा, टेम्परेचर किसमें करा जाएगा ये आपको आंसर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ लेगा सिस्मोमीटर या अर्थक्वेक, अर्थक्वेक सिस्मोमीटर, और ऐसे ही आपसे पूछ लेगा ह्यूमिडिटी, और यहां पर पूछ लेगा डैश, ठीक है। और कैसे पूछ लेगा आपसे, यहां पर आपसे पूछ लेगा डैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और कैसे पूछ लेगा आपसे, स्पीड दे देगा आपको स्पीड, और यहां पर पूछ लेगा ओडोमीटर, ओडोमीटर। तो यहां पर आपको क्या बोलेगा, रेन गेज, यहां पर बोलेगा रेन गेज या गेज बोलेगा, गेज रेन बोल देगा, रेन, ठीक है, रेन बोलेगा। तो उसके बाद आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा स्क्रू गेज, थिकनेस बोल देगा आपको, थिकनेस, थिकनेस को बोल देगा स्क्रू गेज, और उसके बाद आपको दे देगा स्ट्रेन, दे देगा स्ट्रेन, दे देगा, बस उसका काम हो गया और आपको काम करना है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे करा जाता है, बैरोमीटर से, या ऐसे बोल सकते हैं बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू द मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें मेजर करा जाएगा, थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर देखा होगा ना, जब फीवर वगैरह चढ़ता तो एक थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर मर्करी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। तो आपको थर्मोमीटर के ऊपर टिक लगाकर आना है, और यहां पर आएगा थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर के ऊपर आपको टिक लगाकर आना है। अर्थक्वेक को सिस्मोमीटर में करा जाएगा या सिस्मोग्राफ में करा जाएगा, ठीक है, मेजर। ऐसे आएगा क्वेश्चन सिस्मोमीटर, व्हाट इज सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी किस लिए यूज होता है, ह्यूमिडिटी किस लिए यूज होता है, ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करा जाता है, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर की डिफाइन कैसे बनेगी, हाइग्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर के ऊपर आपको टिक लगाकर आना है, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। ऐसी है कि स्पीड ओडोमीटर, जो व्हीकल होते हैं ना, व्हीकल्स के ऊपर एक वो मीटर लगाता है, मीटर को जिसमें स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है, स्पीड, जैसे 180 की स्पीड, 150 की स्पीड, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स के आगे लगते हैं ना, उसमें स्पीड में मीटर, उसको बोलता है ओडोमीटर। ओडोमीटर की डिफाइन कैसे बनेगी, ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आपसे पूछ लेगा रेन, तो रेन को कैसे मेजर करा जाता है, रेन गेज से। तो रेन गेज की कैसे डिफाइन बनेगी, रेन गेज इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रेन, ठीक है। तो रेन गेज के ऊपर आपको टिक लगाकर आना है, रेन गेज, ठीक है। ऐसे पूछेगा थिकनेस क्या होगी, ऐसे यूनिट क्या होगी, या थिकनेस को किस में मेजर करा जाएगा, थिकनेस को स्क्रू गेज में, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द थिकनेस। तो स्ट्रेन को किस में मेजर करा जाएगा, स्ट्रेन को करा जाएगा मेजर टेसोमीटर, किसमें करा जाएगा, टेसोमीटर, ठीक है। टेसोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेन। तो ये थे थर्मोमीटर, ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, आज के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये थे बेसिक एनालॉजी। अब समझ आ गया होगा कि एनालॉजी में से क्वेश्चंस कैसे बनता है और कहां से क्या चीज पढ़नी है, ठीक है, कहां से क्या चीज पढ़नी है एनालॉजी में। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया है, इससे बेहतरीन तरीके से शायद ही आपको कोई और समझा पाएगा।
तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस समझाता हूं। क्वेश्चंस देखिए, बॉक्सिंग क्वेश्चन पहला है, बॉक्सिंग क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं सारे। बॉक्सिंग रिंग और ऊपर से ऐसे पूछेगा क्रिकेट, ठीक है, और यहां से पूछ देगा ऐसे, ठीक है, और यहां पर सोल्व करना है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा पिच, पहला ऑप्शन पिच, सेकंड ऑप्शन हॉल, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन वाटर, और डी ऑप्शन ग्राउंड, ठीक है। सेकंड, अगर ये आपको आते हैं तो जरूर इसे आप खुद सोल्व करिए। खुद सोल्व करेंगे तो आपको जल्दी पता लगेगा और आपको ज्यादा पता लगेगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी अगर आपको खुद सोल्व कर पाएंगे इसे, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग। अब इसमें देखिए रीडिंग, रीडिंग नॉलेज ऐसे ही डैश एक्सपीरियंस, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क इधर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इधर है, ठीक है, सॉल्व करना है। और ऑप्शन देख लीजिए, जॉब, वर्किंग, जॉब वर्किंग, ट्रैवलर ट्रेनिंग, ट्रैवलर ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आप खुद कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, खुद करके देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। हेमोग्लोबिन ब्लड, आपको इसके अंदर रिलेशनशिप ढूंढना है कि इसके अंदर क्या संबंध है, ठीक है। आपको अगर संबंध पता लग गया तो आप इजली कर पाएंगे। क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन पहला लीफ, ऑप्शन सेकंड सेल, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी बाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ डेथ, लाइफ डेथ और गैस, जी यू ई डब्ल्यू एस, गैस यहां पर ऑप्शन दे देगा। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, एनालिसिस, बेसिस, एनालिसिस, बेसिस और यहां पर दे देगा स्टडी, ठीक है। यहां पर और देख लीजिए, तो यही ठीक है, चलो ठीक है, अभी ठीक है। 10 क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग तरीके से। अब देखिए, बॉक्सिंग कहां पर खेली जाती है, बॉक्सिंग खेली जाती है रिंग के अंदर। किस में खेली जाती है, रिंग के अंदर। रिंग होता है ना, रिंग, रिंग नहीं, रिंग नहीं, आर आई एन जी नहीं आएगा, रिंग आएगा, रिंग। बॉक्सिंग किसमें खेली जाती है, रिंग के अंदर। और क्रिकेट कहां पर खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है पिच में, खेला जाएगा हॉल में, खेला जाएगा या वाटर में, खेला जाएगा या ग्राउंड में खेला जाएगा। देखिए, वाटर और हॉल तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कोई घर नहीं है कि आप हॉल के अंदर, हॉल के अंदर चल सकता है, घर में खेल सकते हैं। बट एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट कहां पर खेला जाएगा, पिच में, कहां पर खेला जाएगा, पिच में। तो इसलिए ग्राउंड भी गलत हो जाएगा, ग्राउंड टिक लगा कर आओगे तो ग्राउंड गलत होगा, कुछ बुक्स में ग्राउंड भी दिया हुआ है, तो आपको पिच के ऊपर टिक लगाकर आना है। रीडिंग से नॉलेज मिलती है तो डैश से एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर रीडिंग
पढ़ने से आपको नॉलेज मिलती है, पढ़ने से आपको ज्ञान मिलता है, तो डैश से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऑप्शन आएगा जॉब, वर्किंग, ट्रैवलर, ट्रेनिंग। देखिए ट्रैवलर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ट्रैवलर एकदम और चला गया। आप इसे क्या कर सकते हैं, डिडक्ट करके भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब करने से आपको मिलेगा या वर्किंग करने से मिलेगा या ट्रेनिंग करने से आपको मिलेगा, तो इसका सही आंसर है वर्किंग। काम करेंगे तो तभी आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसके बाद है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त है वो लाल कलर का होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, और क्लोरोफिल का रिलेशन किसके साथ है, क्लोरोफिल का रिलेशन है लीफ के साथ। किसके साथ है, लीफ के साथ। तो शायद ही लीफ यहाँ पर, हाँ लीफ ही यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, लीफ। लाइफ क्या होती है, अगर जीवित है तो जीवित के साथ, मतलब कि अगर उसका रिलेशन दिया गया है डेथ के साथ, मृत्यु के साथ। और गैस का आपको किसके साथ यहाँ पर टिक लगाना है, गैस का ऑप्शन आएगा एस्टिमेशन के साथ। किसका आया, एस्टिमेशन के साथ। लाइफ देखिए, लाइफ और डेथ ये है अपोजिट, और गैस मतलब कि गैस करना, किसको बोलते हैं यार गैस करना, ठीक है, किसी को जज करना, गैस करना, यार गैस करो कि यार ये होगा या ऐसे हो गए ऐसे। तो इसका जो अपोजिट आएगा एस्टिमेशन आएगा, ठीक है। एस्टिमेशन का मतलब ही होता है आपने उसे एस्टिमेट कर लिया है, उसे कैलकुलेट कर लिया है, उसे डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए, फिर आपको दो तीन होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क आप देखकर इसे टिक लगाकर आना है, ऑप्शंस आपको दे दूंगा और यहाँ पर कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए आई, आईज जिसे बोलते हैं ना, आईज, आईज का रिलेशन किसके साथ है, टीयर्स के साथ। किसके साथ है, टीयर्स के साथ। और माउथ का, माउथ का क्या होगा संबंध किसके साथ, तो यहां पर ऑप्शन है टीथ, टंग, टीथ। सेकंड ऑप्शन है टंग। थर्ड ऑप्शन है लिप्स, और डी ऑप्शन है स्लाइवा। क्या है, स्लाइवा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लैक कोल, ब्लैक कोल, हार्ड, हार्ड, हार्ड का किसके साथ क्या संबंध होगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखिए रॉक, रॉक, बी आएगा ब्रिक्स, ब्रिक्स, सी आएगा बोर्ड, बोर्ड, और डी आएगा स्टोन। अब देखिए क्या आएगा, इसको साथ के साथ आप सोल्व करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे आ सकता है, ये तो अभी आपको क्या है एक एक करके फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब क्या है, ट्रिपल भी आ सकता है, अगर इसका थोड़ा लेवल अप आ गया ना, तो लेवल अप में क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लीजिएगा। मोबाइल कॉल मैसेज, तीन आपको गिवन होंगे, मोबाइल कॉल और मैसेज, इसमें क्या है आगे आपको क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सोल्व करना है ऑप्शन ए, फैक्स पेपर कंफर्मेशन, फैक्स पेपर कंफर्मेशन, सेकंड ऑप्शन है पेंसिल राइट, ड्राइंग, पेंसिल राइट, ड्राइंग, थर्ड ऑप्शन है कैलकुलेटर, एबकस, एबकस कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, एबकस, और नंबर,
कैमरा पिक्चर लेंस, कैमरा पिक्चर लेंस। ये देखिए इसके बाद ही क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आई से क्या निकलता है, आंखों में से क्या निकलता है, टीयर्स निकलते हैं, आंखों में से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, तो माउथ से क्या निकलेगा, संबंध देखिए माउथ से क्या निकलेगा, माउथ से क्या टीथ निकल पाएंगे, टंग मतलब जीभ निकल पाएगी, लिप्स मतलब होंठ, और स्लाइवा मतलब जो स्लाइवा होता है ना, थूक जिसे बोलते हैं थूक, तो क्या स्लाइवा होगा। तो इसका संबंध देखिए, अगर आई का संबंध टीयर्स के साथ है, मतलब कि आंखों में से अगर आंसू बाहर निकलते हैं तो माउथ से क्या निकलेगा बाहर, तो यहां पर ऑप्शन है स्लाइवा। अगर आपने स्लाइवा के ऊपर टिक लगाया होगा तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ब्लैक का अगर रिलेशन है कोल के साथ, मतलब कोल क्या होता है, ब्लैक होता है, कोल क्या होता है, ब्लैक होता है, तो हार्ड क्या होगा, हार्ड क्या होगा, हार्ड के ऊपर देखिए, अगर कोल होगा ब्लैक कलर का तो हार्ड क्या होगा, यहां पर रॉक होगा, ब्रिक्स होगा, बोर्ड होगा, स्टोन होगा। तो अगर आपने रॉक के ऊपर लगाया है तो रॉक बिल्कुल सही होगा, ठीक है, रॉक मतलब पत्थर बिल्कुल सही होगा। आप देखिए तीन दिन में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, तीन प्रश्न कैसे पूछ लेता है एनालॉजी में, अगर लेवल अप क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे सीजीएल में क्वेश्चन गिवन होगा, सीजीएल में आ सकता है, एनटीपीसी में भी आ सकता है, क्योंकि इसका लेवल अप हो चुका है, जो एनालॉजी का जो पहले लेवल था उससे थोड़ा अप क्वेश्चन पूछने लग चुका है इस बार रेलवे। तो अगर आपसे पूछेगा मोबाइल का रिलेशन कॉल के साथ भी है, मैसेज के साथ भी है, तो इसका संबंध इससे मिलता जुलता चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो आप देखिए फैक्स, फैक्स का अगर यहां पर देखिए फैक्स पेपर कंफर्मेशन, ठीक है, तो पेंसिल राइट या ड्राइव भी हो सकता है, कैलकुलेटर एबकस या नंबर्स भी हो सकता है, कैमरा पिक्चर्स और लेंस भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है आपके ख्याल से, आपके ख्याल से अगर आपने फैक्स पेपर और कंफर्मेशन के ऊपर टिक लगाया है तो बिल्कुल आपने सही चुना है, फैक्स पेपर और कंफर्मेशन इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अब लास्ट का एक दो क्वेश्चंस और रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चंस को देखिए, अब क्या करते हैं, नंबर्स में भी एनालॉजी आ जाता है, नंबर्स में कैसे एनालॉजी क्वेश्चंस पूछ लेता है, नंबर्स के ऊपर चलते हैं, नंबर्स के ऊपर, ठीक है, नंबर्स के ऊपर कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर 9, 36 और 18 और यहां पर है 72, और यहां पर आपसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन मार्क यहां पर क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको 14, ऑप्शन दे देगा आपको 94, ऑप्शन दे देगा आपको 22 या 28 और ऑप्शन दे देगा आपको 36। तो इसमें से आपको क्या चुनना है, उत्तर क्या होगा इसके अंदर, आपको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक क्या होगा इसके अंदर, आपको लॉजिक ढूंढना है। अगर 36 का रिलेशन 18 है, 36 का रिलेशन अगर 18 है तो 72 का रिलेशन क्या होगा, 72 का रिलेशन क्या होगा, 14 हो सकता है, 94 हो सकता है, 28 हो सकता है या 36 हो सकता है, या आप लगा सकते हैं आइदर या नॉन ऑफ दिस, तो यहां पर आप यह भी लगा सकते हैं नॉन ऑफ दिस। तो आप देखिए क्या हो सकता है, 36 का रिलेशन 18 के साथ कैसे बना देखते हैं, 36 का रिलेशन 18 के साथ कैसे बना, 3 × 6 = 18, तो 7 72 है, तो 7 × 2 = 14, और यहां पर आप 14 देख रहे हैं, तो 14 के ऊपर आप टिक लगाकर आइए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल 101% बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आपने
उत्तर देना है। लास्ट क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है और ये था होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए और होमवर्क क्वेश्चन को आपने कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट की बिल्कुल जरूर वेट करूंगा और आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस होमवर्क क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है पहला, एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, चलो दो क्वेश्चन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 582 का रिलेशन 194 के साथ है, तो 258 का रिलेशन किसके साथ होगा? ऑप्शन 82, ऑप्शन 86, ऑप्शन 92, ऑप्शन 58, ठीक है, ये है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, कंट्री स्टेट कैपिटल, कंट्री स्टेट और कैपिटल, ये इसका रिलेशन आगे आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देख लीजिए, शॉप कस्टमर सेलर, शॉप कस्टमर सेलर, सिटी कॉलोनी फ्लैट, सिटी कॉलोनी फ्लैट, हॉस्पिटल पेशेंट मेडिसिन, हॉस्पिटल पेशेंट मेडिसिन, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इन दो प्रश्न्स को आपने उत्तर देना है कमेंट करके। तो मैं आपके कमेंट की जरूर वेट करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ऐसे ही आपके लिए धमाकेदार टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही है। तो आप प्लीज, अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, वहां पर मैं दोबारा फिर आपका रिप्लाई करूंगा, वहां पर रिप्लाई करके जरूर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।